काम को इम्प्रूव करने के हवाले से कुछ अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और इसी के साथ इस मंथ में हमारे कुछ जो एम्प्लॉयज हैं जो हमारे साथ, उन्होंने हमें कोई लास्ट 2-3 मंथ्स में ज्वाइन किया था, उनकी कंफर्मेशन भी है। और उसमें कुछ एम्प्लॉयज जिनका जिसमें जो अच्छे कुछ पर्पस के लिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो है आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड की पाकिस्तान जा रहे हैं, और उनकी उनका भी कुछ जिक्र होगा यहाँ पे। और साथ में एक और हमारी एम्प्लॉय है जो हमारे साथ सिर्फ कुछ अर्से के लिए आई थी और माशाल्लाह वो भी अब आगे अपने फर्दर गोल्स को अचीव करने के लिए जा रही है, तो वो भी उनका भी डिपार्चर है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को क्लब करके हमने एक छोटा सा सेशन अरेंज किया है, तो जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा इंगेज भी हों और थोड़ी सी कोई बेहतर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह यहाँ से ले लें। तो सर आप प्लीज़ फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लीज़। थैंक यू। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक रहा है हमारी मैनेजमेंट साइंसेज में जिस पे बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल तकरीबन कई दहाइयों से लिख रहे हैं, कई दहाइयों से बात कर रहे हैं, बहुत काम किया जा रहा है इस पे। तो जब आप परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करेंगे, अब उसके लिए आप कुछ स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब ऑप्टिमाइज करने के बाद आप उसको मॉनिटर करेंगे, फिर मॉनिटर करने के बाद आप उसकी एवेल्यूएशन करेंगे। उस एवेल्यूएशन की बेस पे आपका कोई जो जजा और सजा का निज़ाम होगा वो होगा, क्योंकि अगर हम इस सज़ा और जजा के निज़ाम को दरमियान से निकाल दें तो शायद हमारे जो पूरा इंसानों का यहाँ रहने का, माशरे में रहने का एक निज़ाम है वो भी धर्म भरम हो जाएगा। हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है पाकिस्तान में, तो वी बिलीव इन डे ऑफ जजमेंट, हम लोग मानते हैं कि एक रोज़े आखिरत आएगा जिसमें हिसाब किताब होगा और जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको जजा मिलेगी, जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया उनको सज़ा मिलेगी। तो ये सब हम मानते हैं, शायद इसलिए हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, शायद इसलिए हम एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, 2 सेकंड के लिए ये बात जहन से निकाल दें कि सजा जजा का कोई निज़ाम एग्जिस्ट करता है, तो क्या हम फिर अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। सो दिस इज द बेस ऑफ ऑल दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थिंग, कि आपको सजा और जजा के निज़ाम में बिलीव करना है। तो एक तो अल्लाह का सजा और जजा का निज़ाम है, वो तो डे ऑफ जजमेंट पे जब होगा तब होगा, लेकिन इस दुनिया में भी तो रहना है, तो इस दुनिया में रहने के लिए भी सजा और जजा का कोई निज़ाम होना चाहिए। तो वो है आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, जो कि आपकी कंपनीज, आपके एचआर, आपके जो कंपनी के वर्दी डायरेक्टर्स हैं वो लोग ये सब कर रहे होते हैं। और अगर उस सब चीज़ को देख के फॉर एनी रीज़न एम्प्लॉयज को, टीम मेम्बर्स को ये फील हो कि हम में बहुत माइक्रो मैनेज किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा हमारी प्राइवेसी इशूज़ पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, दे नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे दे वांट टू गेट बेस्ट आउट ऑफ यू गाइस, राइट? क्योंकि इसी तरह से ही कंपनी ग्रो करेगी, आप लोग ग्रो करेंगे, एंड इट्स वाइस वर्सा एक्चुअली। आप लोग ग्रो करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, आप लोग ग्रो करेंगे, आप लोगों का आपस में जैसे कहते हैं चोली दामन का साथ है। तो इस हवाले से परफॉर्मेंस वैल्यूएशन बहुत लेंथी टॉपिक है, उसमें से एक छोटा सा टॉपिक जो आज हमने चूज किया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी पे हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं तो एक परसेप्शन है, हमें ये लगता है कि शायद ज्यादा से ज्यादा काम करने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नहीं, अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन है तो ये क्लियर कर लें, ऑप्टिमल काम करने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? हार्ड वर्क को प्रोडक्टिविटी नहीं कहते, स्मार्ट वर्क को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। 24 घंटे काम करने को प्रोडक्टिविटी नहीं कहते, 8 घंटे में अपना काम कंप्लीट करके घर जाके बेगम के साथ, बच्चों के साथ अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर कोई इस तरह की कन्फ्यूजन्स हैं कि नहीं जी प्रोडक्टिविटी वो जो मशीनों वाली प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आप सब लोग एक इंडस्ट्री में माशाल्लाह बैठे हैं, तो उस वक्त जब प्रोडक्टिविटी की बात होती थी तो वो यही होता था कि एक मशीन से आप मैक्सिमम काम किस तरह से ले सकते हैं। ये मशीन आपने खरीद ली, वो हफ्ते के 7 दिन चले, क्या फ़र्क पड़ता है? वो 24 घंटे चले, क्या फ़र्क पड़ता है? उसके कौन से जज्बात हैं, उसके कौन से एहसास हैं, उसकी कौन सी नीड्स हैं, आप उसको चलाते रहें, मैक्सिमम उसमें फ्यूल ही डालना है ना, तो फ्यूल डालते रहें और चलाते रहें। बट दिस इज़ नॉट द केस विद ह्यूमंस, ये मैनेजमेंट को भी पता है और ये कंपनी के एम्प्लॉयज को भी पता है कि दिस इज नॉट द केस विद ह्यूमंस। ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी आप इस तरह से इंक्रीज नहीं कर सकते कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ, वो जो मैंने बात शुरू में कही कि सजा और जजा के निज़ाम के साथ मुंसलिक करके आप उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट होता तो हम क्या करते कि भी हर वो इंसान जो, अगर लेट्स सपोज हम सेल्स की बात करें, हर वो इंसान जो कंपनी में $10,000 की सेल लाएगा उसको ये फलां गिफ्ट मिलेगा। अब ये एक इंड्यूसमेंट है, एक जजा है,
इंड्यूसमेंट आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। अगर पॉजिटिव है बेसिकली आप उसको जजा दे रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो आप उसकी जजा में से कोई कमी कर रहे हैं। तो अगर तो ये खाली इस तरह से होता तो लोग 24 घंटे भी काम कर लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर $10,000 पे हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना है। तो एक ना खत्म होने वाली दौड़ ना शुरू हो जाती, एक ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाती कि बस ठीक है जी, हर $10,000 पे कंपनी कह रही है $500 आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो मुझे अब सारे काम वाले ताक रख के, बेगम बच्चे सब साइड पे है, मुझे इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। सो दिस इज नॉट द केस। ठीक है, आपको आपका जो ऑफिस टाइम है उसी में रहते हुए ऑप्टिमल वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रख के अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अगले दिन भी ऑफिस आना है, सारा काम आज ही नहीं कर लेना, क्योंकि सारा काम आज ही कर लेंगे तो कल भी तो आना है ना आपने। और अगर आप आज सारा काम कर लेंगे और फॉर सम रीजन आप कल ट्रिप कर जाते हैं, आप इंसान है ना, मशीन तो नहीं है, आप कल ट्रिप कर जाते हैं, तो क्या कंपनी आपको अच्छे कागजों में लिखेगी? एक एम्प्लॉई जो एक दिन बहुत अच्छा काम करता है और अगले दो दिन सिक लीव ले लेता है, क्यों अली भाई, क्या कहेंगे उस एम्प्लॉई को आप? ऑब्वियसली वो अच्छा कंसीडर नहीं होगा। सो वी आर ह्यूमंस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, तो आज तक हमें लिटरेचर में मोस्टली गोरों ने खासतौर पर जो लिटरेचर पढ़ाया है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मकसद बस यही है कि डू मोर डू मोर डू मोर, जो वो हमारे साथ एज नेशन भी करते हैं, हर दो मिनट बाद मैसेज आता है डू मोर डू मोर डू मोर। तो प्रोडक्टिविटी खाली डू मोर करने से इंक्रीज नहीं होगी, चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके, इफेक्टिवली सोच के, उसको ऑप्टिमल तरीके से करने से अचीव होगी। अब इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज भी यूज होती हैं, उसमें सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है जी, हर इंसान का अपना एक प्रोडक्टिविटी जोन होता है, सो इट्स हाईली सब्जेक्टिव। हो सकता है आप लोग कुछ बातें सुन के ये कह रहे हो कि ये तो मुझे पहले भी पता था और यही मेरी अचीवमेंट है, अगर मेरी बातें सुन के आपको लगे ना कि ये तो मुझे पहले भी पता था, तो हर इंसान का अपना एक प्रोडक्टिविटी जोन है। देर आर सर्टन पीपल जो जरा मॉर्निंग पीपल होते हैं, उनका दिमाग सुबह में बहुत अच्छा चलता है। देर आर सर्टन पीपल जो नाइट आउल्स होते हैं, उनका रात को दिमाग अच्छा चलता है, रात को उनकी बॉडी ज़्यादा काम करने की पोजिशन में होती है। तो यू नीड टू डिसाइड कि आपका प्रोडक्टिविटी जोन क्या है और आप उसको किस तरह से लाइजन कर सकते हैं अपनी टीम, अपनी कंपनी के प्रोडक्टिविटी जोन के साथ। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्टिविटी जोन लाइजन नहीं कर रहा कंपनी के प्रोडक्टिविटी जोन के साथ, तो सूनर और लेटर या तो कंपनी आपको गुड बाय कहेगी या आप कंपनी को गुड बाय कहेंगे, क्योंकि आप लोग एक सिनर्जी में काम नहीं कर पाएंगे। अब में से कुछ लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, किसी ने पढ़ी हुई पढ़ी अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रिक्वेंसी का, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस। मैं आसान उर्दू में भी समझा देता हूँ। तो फ्रिक्वेंसी ये है कि आपके पास एक वेव जा रही है, उसकी एक सर्टन हाइट है, फिर एक सर्टन डेप्थ है, इस तरह से जैसे समंदर की लहरें जाती हैं वो वेव जा रही है, और एक और वेव आती है वो उसी वेव के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती है। तो अगर तो दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो वो एक बहुत बड़ी वेव बन जाती है, और अगर उन दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती बल्कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है तो वो डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस होता है, वो पहले वाली वेव की एनर्जी को भी किल कर देती है। सो सेम इज द केस विद पीपल विद अस, कि अगर एक आपकी एनर्जी है एक आपकी एनर्जी है, आप दोनों एक टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, एक आपकी वेव है एक आपकी वेव है, अगर तो वो दोनों वेव सेम फ्रिक्वेंसी पे अलाइन हो जाएंगी, आप दोनों सेम पेज पे होंगे, तो वो एक बड़ी वेव बन जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? इसी बात को ना हमारे पड़ोसी मुल्क के एक वजीर आजम साहब ने बड़े अच्छे से समझाया, और दो उस पर कुछ लोग बड़ा हंसे भी, थोड़ा सा हंस भी रहे हैं आज के सेशन में, बड़े सीरियस लग रहे हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि जी ए प्लस बी होल स्केयर क्या होता है? तो ए प्लस बी होल स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ठीक है, कि एक ए था एक बी था, उसको आपने एक ब्रैकेट में डाला, उसको स्केयर में बंद किया। तो लॉजिकली जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो तो ये कहता है कि ए प्लस बी होल स्केयर को ए स्केयर प्लस बी स्केयर होना चाहिए, दैट्स इट। ये टू ए बी कहाँ से आया? तो ये टू ए बी एक्स्ट्रा आया। तो ये एक्स्ट्रा किस वजह से आया? ये उस इन्फेरेंस की वजह से एक्स्ट्रा आया, वो जो आपने कंस्ट्रक्टिव इन्फेरेंस किया, आपने आपस में अलाइन किया चीज़ों को। तो जब आप दो चीज़ों को अलाइन करते हैं तो जो आपका कलेक्टिव सम है वो इंडिविजुअल के सम से ज़्यादा होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर अली और रेहान मिल के काम कर रहे हैं तो एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 2 नहीं होते उस केस में। वो आपका आपस में एनर्जी अलाइन होती है, सिनर्जीज बिल्ड होती हैं, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एक सर्टन एम्पलीट्यूड तक जाके हिट करती है। सो दैट वी नीड टू डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर ओन प्रोडक्टिव जोन। वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो कोई साइकोलॉजिस्ट आपको नहीं बता सकता, वो कोई कंसल्टेंट आपको नहीं बता सकता, वो कोई एचआर आपको नहीं बता सकता, वो आपको आपके दिल के मुफ्ती ने, जमीर के मुफ्ती ने खुद बताना है।
और अगर इन केस यू एंड अप आइडेंटिफाइंग के मेरा कोई प्रोडक्टिविटी जोन नहीं है, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें, ये फिर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी स्पेशलिटी के साथ पैदा किया, किसी ना किसी प्रोडक्टिव जोन के साथ पैदा किया तो है, सिर्फ आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप उसको निखार के सामने नहीं ला पा रहे। वो एक हमारे कौमी शायर भी हैं अल्लामा इकबाल साहब, वो कहते हैं कि खुद ही कोई चीज़ है, तो खुद ही कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी ना जो इकबाल ने आउट ऑफ नोवेयर डिस्कवर कर ली। खुद ही क्या है, मैं हूँ ना, खुद से है ना, खुद से खुद ही है। तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उसको एम्पलीफाई कर लेंगे। तो फर्स्ट चीज़, हमें इसको शॉर्ट भी रखना है, फर्स्ट चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करनी है दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी जोन। द सेकेंड चीज़ जो है, सेकेंड थिंग, वाई कोई भी काम करना है, तो पंजाबी समझते हैं यहाँ कुछ लोग, सभी समझते हैं ज़बरदस्त। तो पंजाबी में ना एक बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा है, कहते हैं कि जो कोई तुम कहे ना कि कुत्ता तेरा कान लै गया, तो कुत्ते मगर नहीं भज पाईदा, पहले अपना कान चेक करीदा कि वो है भी है वहाँ पे तो नहीं। तो कभी भी, और ये मतलब इस्लामिक तालीमात भी ये हैं कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी खबर पर फौरन यकीन ना करो, बल्कि खुद तहकीक करो कि क्या वो खबर ठीक भी है या नहीं। तो ये दोनों बातें हमें क्या सिखा रही हैं, ये दोनों बातें हमें ये सिखा रही हैं कि अल्लाह ताला ने दिमाग हमें भी दिया। तो कोई भी टास्क आता है, कोई भी चीज़ आती है, कंपनी की हायर मैनेजमेंट की तरफ से आती है, एचआर की तरफ से आती है, आपके टीम लीड की तरफ से आती है, आपने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, अपने अपने आप से भी पूछना है कि व्हाई दिस टास्क, बिकॉज व्हाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग आए हैं, सारे सेशन में आए हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग अपना बड़ा बड़ा ज़रूरी काम कर रहे थे, बड़ा कीमती वक्त था आपका, मैंने आपका वक्त ले लिया, मैंने कहा नहीं जी इधर आए आधा घंटा मेरी बातें सुने। कितने लोगों ने सोचा व्हाई, किसी ने सोचा नहीं सोचा अभी, तो व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जस्ट बिकॉज के अली ने कह दिया और चलो जी ठीक है ना, तो दैट्स द हर्ड मेंटेलिटी, वो एक भेड़ बकरियों का वो जो रेवड़ होता है ना, उसको जिधर वो कहते हैं सारे उस तरफ चल पड़ते हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, माशाल्लाह से हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ताला ने ये दबा पैक दिमाग दिया है, इसको इस्तेमाल करना है और वाई पूछना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप वाई नहीं पूछेंगे तो वो जो फर्स्ट एलिमेंट था ना रेजोनेट करने वाला, वो होगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बंदे की फ्रिक्वेंसी है, बाकी सबकी फ्रिक्वेंसी तो है ही नहीं, बाकी सब ने तो अपना वो जो फ्रिक्वेंसी सेंड करने वाला ट्रांसमीटर है वो ऑफ किया होगा। वाई बहुत ज़रूरी है, और वाई से रिलेटेड मैं आपको अगली बात जो बताना चाहूँगा वो है सेंस ऑफ पर्पस। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट है, फॉर प्रॉफिट है, किसी मकसद के तहत बनती है ना, कोई मिशन होता है, कोई विजन होता है, ये सारे अल्फाज सुने होंगे आपने, बल्कि अक्सर कंपनियों की दीवारों पर भी उनकी मिशन और विजन स्टेटमेंट लिखी होती है, मुझे यहाँ कहीं अभी नज़र नहीं आ रही लेकिन लिखी होती है अक्सर जगह पर, ठीक है जी। तो कोई मकसद होता है किसी कंपनी का, सिर्फ ये मकसद तो नहीं होता कि बस सुबह उठेंगे अच्छे से नहाए धोएंगे कंपनी जाएंगे कीबोर्ड के साथ लड़ाई करेंगे और उठ के घर वापस आ जाएंगे, मकसद हल, ये तो नहीं होता ना। इवेंचुअली कोई बिगर गोल अचीव करना होता है। चले लेट्स से आप में से अगर कोई फाइनेंस का बंदा या सेल्स का बंदा है, बिजनेस मैनेजर साहब हमारे बैठे हुए हैं, तो ये कहें कि जी कंपनी का गोल है कि जी हमने $1 बिलियन सेल्स अचीव करनी है, लेट्स से ये इनका गोल है, बट स्टिल दिस इज नॉट द गोल, दिस इज मीन्स टुवर्ड्स सम एंड, ये एंड नहीं है। वो $1 बिलियन लेके क्या करना है, वाई तो अभी भी वहीं का वहीं है, तो $1 बिलियन इज नॉट द आंसर, वाई इज स्टिल देयर कि उसके बाद क्या करना है, गोल क्या है। सिमिलरली अब वो तो खैर बड़े लेवल की गेम होगी, एग्जीक्यूटिव लेवल की, डायरेक्टर्स लेवल की गेम, आप लोगों का भी तो कोई ना कोई वाई होगा ना, कि वाई वी कम टू दिस ऑफिस, वाई वी गो लेट एवरी डे, वाई वी नीड अ गुड कल्चर ओवर हेयर, ये एक तरह का आपका सेकेंड होम है। घर में टोटल 24 घंटे हैं आपके पास, तो तकरीबन 12 घंटे आप वहाँ गुजारते हैं, 12 घंटे आप यहाँ गुजारते हैं, तो सेकंड होम है ना, तो सेकंड होम, व्हाई वी गो टू दिस सेकंड होम एवरी डे, देयर मस्ट बी सम व्हाई। तो उस व्हाई का अगर तो कोई मुझे ये जवाब देता है कि उस व्हाई का जवाब ये है कि महीने के एंड पे मुझे 2 लाख रुपये सैलरी मिलती है, ये व्हाई है, तो ये तो कोई व्हाई नहीं है मेरा भाई, ये तो आप बहुत बड़े तरीके से भी कमा सकते हैं, उसके लिए तो आज के लिए देख रहे हैं 2 अखबार 3 अखबार वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए तो आप टिकटॉक पर जाएँ, बहुत पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये तो कोई वाय नहीं है कि जी हम सिर्फ 2 लाख कमाने यहाँ आते हैं, कुछ बिगर वाय होगा ना, कुछ बिगर पर्पस होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली फेसबुक के एक सीईओ हैं मार्क ज़करबर्ग साहब, नाम सबने शायद सुना होगा, फेसबुक का नाम सबने सुना होगा, मार्क ज़करबर्ग का नहीं भी सुना होगा तो फेसबुक का पता है, फेसबुक का सबको पता है। तो मार्क ज़करबर्ग खुद जो हैं वो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, लेकिन रिसेंटली हार्वर्ड में उन्हें अपने
कॉन्वोकेशन पे इनवाइट किया कि जी आप आएँ और ज़रा मोटिवेट करें हमारे स्टूडेंट्स को। सिमिलरली जैसे भी मैं एक आउटसाइडर हूँ लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, तो मार्क ज़करबर्ग ने वहाँ पे 1968 का एक वाक्या सुनाया। वो वाक्या पहले भी काफ़ी जगह कोट किया जा चुका है लेकिन वो वाक्या मार्क के सुनाने के बाद एक दफ़ा दोबारा फेमस हो गया। और वो वाक्या यूँ है कि जब अमेरिका का अपोलो मिशन था, जब अमेरिका चांद पर जाने की कोशिश कर रहा था, तो नासा में बहुत सारे लोग काम करते हैं, नासा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हज़ारों लोग वहाँ काम करते हैं। तो उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वो गए नासा, उन्होंने नासा विजिट किया और हर एक से जाकर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कर रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। किसी ने कहा जी मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर हूँ, मैं बिजनेस मैनेजर हूँ। सारे अपना अपना बता रहे हैं जी मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूँ, मैं मेटलर्जी साइंटिस्ट हूँ, सारे अपना अपना बता रहे हैं। वहीं पर एक जनरेटर साहब भी थे सफाई करने वाले, मिस्टर प्रेसिडेंट उनसे भी मिले। मिस्टर प्रेसिडेंट ने उनसे भी पूछा जी आप क्या करते हैं, मैंने कहा जी मैं करता तो यहाँ सफाई हूँ। उन्होंने कहा जी आपका पर्पस क्या है। ही सिंपली आंसर्ड मिस्टर प्रेसिडेंट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू पुट मैन ऑन मून। कि वो वहाँ सफाई किस पर्पस के लिए कर रहा है कि इंसानियत चांद पे जा सके, उसका एक बिगर पर्पस। तो सफाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आऊँगा मैं सफाई करूँगा ऑफिस साफ सुथरा लगे दैट से मुझे महीने का $1,000 मिलेगा और मेरी क्लास है बाकी सब वर्ड में। He is playing his part, his small part to put man on. हम सब लोग ना बहुत छोटे हैं, बिलीव में बहुत छोटे हैं, बहुत बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कायनात बनाई। और इकबाल कहते हैं ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमा दम सदाए कुन फया कुन, कि कायनात अभी भी एक्सपेंड कर रही है, नई से नई दुनियाएं अभी भी बन रही हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं पता नहीं हमारे बोलते बोलते बैकग्राउंड में कोई और दो नए प्लैनेट्स जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। इस बड़ी सी कायनात में आपको क्या लगता है कि अगर हम अपना छोटा सा रोल नहीं प्ले करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नया बिग बैंग हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हो जाएगा। ये पूरी कायनात की जो मशीनरी है ना वो हमारे आपके सुबह उठने से ही चल रही है। क्योंकि अगर सब लोग यही सोच लेंगे ना कि मेरे सुबह उठने से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तो मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ, मेरी तरफ से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो छुट्टी करें, मैं आज छुट्टी कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो यही बात अली ने भी सोच ली, यही बात तलाल ने भी सोच ली, यही बात बिलाल ने भी सोच ली, सब ने छुट्टी कर ली। 60 के 60 लोग छुट्टी पे चले गए, चलेगी कंपनी। लेकिन अगेन पूरा निज़ाम चलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो आपका इतने बिलियन डॉलर का बजट है फिर वो कहाँ जाएगा, सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि वो 7 लाख लोगों को तो आपने छुट्टी पे भेज दिया, तो नई हाउसिंग सोसाइटीज कैसे बनेंगी, बाकी सारे काम कैसे होंगे। एनीवेज तो वापस आए कि आप इस बात को समझें, जब आप वाई का आंसर दे रहे हैं ना कि वाई, तो वाई के साथ अगला जो बिल्कुल एसोसिएटेड एलिमेंट है वो ये है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। मेरे हल्का सा कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे को ना करने से बहुत फर्क पड़ता है। ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक बड़ी अच्छी टर्म है फ़र्ज़ कफ़ाया। फ़र्ज़ कफ़ाया वो चीज़ होती है कि अगर कुछ लोग अदा कर दें तो वह अदा हो जाता है, लेकिन अगर सारे ही गफलत बरतें तो सबको सजा मिलती है। नमाज जनाजा एक फ़र्ज़ कफ़ाया है कि अगर तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने पढ़ लिया ना तो वो सबकी तरफ से हो गया, वो उस इंसान को अल्लाह ने बख्शना होगा वो बख्श देगा। लेकिन अगर सारा मोहल्ला ही हाथ पे हाथ रख के ये सोच के बैठा रहा कि कोई नहीं हाजी साहब पढ़ लेंगे, चिश्ती साहब पढ़ लेंगे, कादरी साहब पढ़ लेंगे, बरेली साहब देवबंदी साहब पढ़ लेंगे, तो फिर क्या वो नमाज जनाजा हो जाएगा? हम सब ने भी मरना है ना। अपने बारे में भी सोचे हैं कि अगर हमारे नमाज जनाजा पे सब ने ये सोच लिया और घर बैठ गए आराम से कि यार बाहर बारिश हो रही है छोड़ो परे क्या करना है, चाहते बख्शा जाएगा खुद ही अल्लाह ने बख्शना होगा, तो क्या हमारा जनाजा अदा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो वी आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दूसरी तरफ से अपने आप को अकले कुल भी नहीं समझना और अपने आप को ये भी नहीं समझना कि नहीं जी भाई साहब पूरी दुनिया मैं ही चला रहा हूँ। वो पिछले दिनों वेब सीरीज आई थी उसमें एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा डायलॉग था, अब उन्हीं भगवान है, वो नहीं समझना, ठीक है जी, ठीक है जी। तो वो नहीं समझना बस अपने आप को, लेकिन ये जो कायनात का निज़ाम है ये आपके दम से चल रहा है और आपने वाई पूछना है, क्योंकि आपका वाई आपका पर्पस जितना स्ट्रांग होगा वो विलिंगनेस वो एफर्ट वो खुद से अंदर से आएगी, जज्बा आएगा। जब आपको ये पता होगा ना, लेट सपोज जी आपकी कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती है डिफरेंट कंपनीज को, लेट से मैं कहता हूँ कि जी आपकी कंपनी नासा को ही मटेरियल प्रोवाइड करती है,
मेटलर्जी का कुछ मटेरियल है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिलता, वो बस आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर तो आपका पर्पस बिगर होगा ना कि नहीं मैं ये जो कर रहा हूँ ना ये इंसानियत की बेहतरी के लिए है कि ये मटेरियल मेरी मेहनत से नासा को पहुँचेगा, नासा की मेहनत से इंसान मरीख पे जाएगा, और इंसान जब मरीख पे जाएगा वहाँ से वाटर डिस्कवर होगा और उससे इंसानियत की खिदमत होगी। आई डोंट नो ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इफ दिस इज योर पर्पस देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्योंकि वो जेनेटर की मैंने आपको एग्जांपल दी है, उसका पर्पस बिगड़ता तो फिर खुद सुबह उठने को दिल करेगा, फिर खुद सुबह ऑफिस जाने को दिल करेगा, फिर खुद ये जो सारी प्रोकेसिनेशन है हमारी बिना वजह की सुस्ती का ही, ये खुद डाउन आ जाएगी कि नहीं यार पर्पस बढ़ाना है, करना है ना। कभी किसी माँ को सुबह उठ के ये बहाना करते देखे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा, आपने देखा किसी नहीं सर, आपने बेगम को देखा होगा माँ की बात नहीं सर, वो नहीं वो बेगम होती है जिसकी बात आप माँ नहीं कहती, बच्चों की हमारे बच्चों की माँ सर यही करते हैं ना, वो बेगम है आपकी, आपकी माँ नहीं करती ना, उसकी वजह है क्योंकि पर्पस भी कर उसे पता है कि नहीं भाई खाएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा, ठीक है तो वो तो उठेगी सुबह, वो तो करेगी, उसका पर्पज ये नहीं है कि बस उसने उठना है उसने आपको एक पराठा पका के देना है, ये उसका पर्पज नहीं है। उसका पर्पज है नस्लों की ग्रोथ, कि ये ग्रो करेगा तो इसका बच्चा ग्रो करेगा, इसका बच्चा ग्रो करेगा तो हमारी नस्ल ग्रो करेगी। एक छोटी छोटी सी चीज, मतलब आपके पेरेंट्स जब आपके बच्चे को डांट रहे होते हैं तो वो आपके बच्चे को नहीं डांट रहे होते, वो अपनी अगली पूरी नस्ल सीधी कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सोनर और लेटर इवेंचुअली सर नेम तो उनके नाम से ही चलना है ना, एक फैमिली का सरनेम होता है ना, कुछ लोग बड़ा होते हैं कुछ डोगर होते हैं कुछ पट होते हैं, तो वो सरनेम तो उनके नाम से चल रहा है ना, तो वो अपने बिगर पर्पस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग अगर अपनी ये जो प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ के साथ अलाइन करें कि नहीं यार एक बिगर गोल है मुझे वो अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं, रास्ते में छोटे छोटे कंकर आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं। हम लोग अक्सर ट्रैकिंग पे जाते हैं, नारायण का गान बड़ा शौक होता है बॉयज़ को तो अक्सर जाने का, ठीक है, तो रास्ते में सबको ना अपने पुराने याद बॉयज़ को नहीं होता, ठीक है, लड़कियों को भी होता है, बिल्कुल होता है। तो अब जब हम जा रहे हैं फ्लैट से हम नारायण का, तो रास्ते में बड़े सारी मुश्किलें आती हैं, गाड़ी भी पंक्चर होती है, बम्पी रास्ता भी आता है, लैंडस्लाइडिंग भी हो रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, तो क्या करते हैं वापस मुड़ जाते हैं, एंटर जाते हैं जहाँ तक जाना होता है, क्यों पर्पस बिगड़ है कि नहीं यार मुझे बाबू सर टॉप तक जाना है, मेरा पर्पस है, और उस वहाँ से जो एक नजर मज़ेदार सा नज़ारा नजर आएगा ना वो मुझे देखना है, वो एक बिगर पर्पस के लिए जब आप एफर्ट करते हैं तो रास्ते की छोटी छोटी मुश्किलें आपको बुरी नहीं लगती हैं, आप उन्हें इंजॉय करते हैं। सेम इज़ द केस विद योर प्रोडक्टिविटी, तो जब आपका एक बिगर गोल है ना, एक बाइक क्लियर है, एक बिगर पर्पस है कि नहीं यार करना है, अपने लिए करना है, मुल्क के लिए करना है, अपने फैलोज के लिए करना है, सबके लिए करना है, छोटे छोटे मसले नहीं आप काउंट ही नहीं करेंगे। और अगर पर्पस क्लियर नहीं है, पर्पस बस वही है कि महीने का 2 लाख चाहिए, तो फिर हर चीज़ बुरी लगेगी, हर छोटी छोटी चीज़ ये मतलब ब्लड से ये जो छोटा सा कंकर पड़ा है यहाँ पे ये भी बुरा लगेगा, ये यहाँ क्यों पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है कंक्लूजन की तरफ, इन्हीं चीज़ों को अचीव, ये तो थी थोड़ी फिलोसॉफिकल साइड ऑफ इट, वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी होती है, मोस्टली हम लोग सेशंस में डायरेक्ट टेक्नोलॉजी पे मूव कर जाते हैं, फिलोसॉफिकल साइड पर बात नहीं करते, बट आई वांटेड टू डू दैट एंड आई डिड दैट। तो अब इन चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी आ गए हैं, रिसर्चर्स ने टूल्स डेवलप कर लिए हैं, टेक्नोलॉजी उसको हेल्प कर रही है, लेकिन अगेन टेक्नोलॉजी को भी आपने हेल्प करना है। आजकल हम लोग काफ़ी AI पे बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने कोई भी काम करवाना है, जैसे कंटेंट लिखवाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, वीडियो बनवानी है अपनी मिडजर्नी से, तो खुद से बना लेगी, खुद से तो नहीं बनाएगी ना, उसको गाइड तो आप नहीं करना है। तो किसी भी चीज़ में अगर आप ऑटोमेशन अचीव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, आपको उसको बिल्कुल सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इतने सिंपल पार्ट्स के जो आप 7 साल के बच्चे को भी समझाएं तो वो समझ जाए, अच्छा 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 ABCD ओके ये काम करने हैं, ये तो मैं भी कर लूँगा, वो कर नहीं पाएगा लेकिन उसको ऐसा फील होगा कि वो कर पाएगा। और ये फील वाली बात को भी आपने समझना है कि जब हम कुछ फील करते हैं ना, तो ह्यूमन ब्रेन को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन इस तरह से किया है कि ये इतना भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि जो ये सोच रहा है, जो इसने जहन में पिक्चर बनाई है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती,
अब जहन में इस वक्त कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, जिसको जो भी पसंद है, जिसको कोई इस्लामिक चीज़ पसंद है वो इस्लामिक कंसीडर कर ले, जिसको कोई दुनियादारी की चीज़ पसंद है वो कंसीडर कर ले, दो मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लें, आपका ब्रेन वो वाले हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आप फिजिकली इस टाइम वहाँ नहीं बैठे हुए, ठीक है। कुछ लोग अगर तसव्वुफ समझते हैं यहाँ पे, तो तसव्वुफ में कहते हैं ना मुर्शिद और यार का तसव्वुर एंड ऑल दैट, अब दो मिनट के लिए तसव्वुर कर लें, आप पहुंच जाएंगे वहां पे और आपका जहन वो वाले एंजाइम्स वो वाले हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर दे। यू जस्ट फील यू आर एट लाइक सम होली प्लेस, होली काबा, लेट्स से आमीन, अल्लाह ताला सबको मौका दे। आपका जहन एक्सेप्ट कर लेगा इस बात को कि मैं वहां हूँ। जिनको बाबूसर टॉप जाना वो बाबूसर टॉप इमेजिन कर लें, जहनी तौर पर वहां पहुंच जाएंगे। तो ब्रेन नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता कि ये एक्चुअल है या ये एक्चुअल नहीं। तो सिमिलरली जब आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सिंपल पार्ट्स में, और सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करके किसी नेक्स्ट बंदे को समझाएंगे कि यार ये चंद चीजें हैं ये अचीव करनी है, आप ऑटोमेशन अचीव कर लेंगे। नॉट बिकॉज के वो टेक्निकली पॉसिबल, बिकॉज के आपने उसको बताया इतने आसान तरीके से है कि उसके ब्रेन ने उसको आसान एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कहते हैं कि वो जो हाथी होता है ना वो किले से नहीं बंधा होता, वो सोच से बंधा होता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो उसका महावत उसको किले से बांध देता है, उस टाइम वो बड़ा सोन शोन दिलाता है, सर घुमाता है, लेकिन वो कमजोर होता है, वो नहीं उसको रस्सी को उखाड़ पाता, और ये बात उसके जहन में बैठ जाती है कि नहीं मैं इसको कभी भी उखाड़ नहीं पाऊंगा। और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, एक जिन बन जाता है, बुरा हाथी अच्छा खासा मोटा ताजा होता है, वो करने को काफी कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके जहन में बात बैठ गई है कि नहीं मैं इसको नहीं, सॉरी, उसके जहन में ये बात बैठी है कि मैं इसको नहीं उखाड़ सकता। तो जब आप उस बंदे को ऑटोमेशन करने के लिए बिल्कुल सिंपल पार्ट्स में तोड़ के ये बताएंगे ना, तो उसका जो पहला परसेप्शन बनेगा वो ये बनेगा, यस वी कैन डू इट, एंड दैट्स द एटीट्यूड वी नीड फॉर प्रोडक्टिविटी, यस वी कैन डू इट। क्योंकि अगर आप शुरू में ही वो कर लेंगे ना, नहीं यार ये तो बहुत बड़ा है ये हम नहीं कर सकते भाई, तोड़ तोड़ के खाने की इतनी अच्छी मिसाल हमारे साथ तो बीती है, हमारे से गिर पाकू इनके लोग हैं ना, तो वो एक अंग्रेज आए थे, तोड़ तोड़ के ऐसा खाया उन्होंने हमें, माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क था ये बरसगीर पाकुआइन, पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया था ये, बर्मा, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब उस वक्त का इंडिया था। कितना मजे से खाया ना उन्होंने, कैसे डिवाइड एंड रूल, उसको तोड़ा छोटे पार्ट्स में इतने तरीके से कि वो आसान लगने लग गया। सो सेम आपको करना है, आपके पास कोई टास्क आएगा, आपके डायरेक्टर्स हैं, अली भाई हैं, कोई भी हैं, वो आपको एक बड़ा सा जिन सा टास्क देंगे कि जी ये करना है और तीन दिन में करना है लेट्स से। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जरा चीज़ें पहले वाली भी रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना प्रोडक्टिविटी जोन चेक करना है कि यार ठीक है मुझे ये तीन दिन में करना है, तीन घंटे में तो नहीं करना, तीन दिन में करना है, रिलैक्स। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, तीन दिन में करना है। तो चेक करें कि इन तीन दिन में आपके पास अवेलेबल टाइम जोन कौन कौन से हैं और प्रोडक्टिविटी टाइम जोन कौन कौन से। लेट्स से आप मॉर्निंग पर्सन, तो मॉर्निंग आपकी अगर आप लोग सुबह 9 बजे आते हैं ऑफिस, तो 9 से 1 तक मॉर्निंग टाइम है, तो आपके पास तीन प्रोडक्टिविटी जोन आएंगे इन तीन दिनों में। कहने को आपके पास 24 घंटे होंगे, लेकिन 24 घंटे नहीं होंगे, सिर्फ 12 घंटे होंगे, क्योंकि बाकी के 4 घंटे आपका प्रोडक्टिविटी जोन नहीं है। उसमें आप और टास्क कर सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपका क्रिएटिव वर्क है वो आपको इन्हीं 4 घंटे में करना। दूसरी चीज़ वाई, वाई पर हमने बात की थी कि जी वाई क्लियर होना चाहिए। अब अगला सवाल पूछेंगे जी ये तीन दिन में क्यों करना है, क्या होगा इसको करने से, ऐसी इंसानियत को कौन सी बेहतरी मिल जाएगी इस काम के करने से, ऐसी कौन सी दीन की खिदमत हो जाएगी, इंसानियत की खिदमत हो जाएगी, ऐसा क्या हो जाएगा मुल्क पाकिस्तान की, ऐसा कौन सा परचम बुलंद हो जाएगा, कौन सा हम ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत जाएंगे इसके करने से। सो इफ दैट वाई इज क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी आ जाएगी कि आपने उसको टेक्नोलॉजिकली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना। अली भाई ने आपको ये तो नहीं कहा ना कि सारा काम आज ही करना है, सब तो होता है इस कंपनी में, अली भाई ने तो कभी भी नहीं, आपने तीन दिन में करना, तो यू आर मैनेजर ऑफ योर सेल्फ ना, अपने मैनेजर को दो, आप में से कोई भी मतलब अल्लाह माफ करे अंडर 18 तो नहीं है ना, सारे एडल्ट्स हो, सारे अपनी अपनी मर्जी के मालिक को दो, सारे डिसीजन मेकिंग पावर रखते हो, तो आपको पता है कि यार मुझे ये काम करना है, इसके मुझे ये 4-5-6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। पर अपने जहन को, अगेन वो जहन वाली बात लिंक करें, अपने जहन को समझाना है आसान है, हो जाएगा, क्योंकि जब आप बड़े जहन को देखेंगे तो नहीं होगा, मुझे पूरा टास्क है ना, मुझे बड़ा टास्क है, उसको जब आप देखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके स्मॉलर चंक्स को देखेंगे हो जाएगा।
3 दिन में क्या करना, 2.5 दिन में करके साइड पे लगा दूंगा। सो डू इट दैट। फिर अगर मल्टीपल टास्क आ रहे हैं, हर कंपनी में इशू होता है, हमारी अपनी कंपनी में है कि जी एक टाइम में मल्टीपल टास्क आ रहे हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ। एक था ना बचपन में सुनते थे मुझे, काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, जबूटा जी बहुत कहता था। तो समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूँ, टास्क सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ना। उसके लिए एक सिंपल सा मैट्रिक्स यूज होता है, उसमें आपने ये देखना है कि आपका कौन सा टास्क है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 खाने होते हैं, तो पहले खाने में ना आपने सिर्फ उस टास्क को रखना है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालना। उसके बाद आपका आ जाएगा वो टास्क जो अर्जेंट है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन करना है क्योंकि अर्जेंट है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका वो टास्क जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो उसको भी करना है। और आखिरी नंबर पर वो जो सारा जिसे कहते हैं ना रद्दीगा माल, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, वो आप अपने आप ही टाइम में कर लें। हम लोग मोस्टली क्या गलती करते हैं, हम गैप्स फिल नहीं करते। अगेन ये बड़ी मशहूर जमाना मिसाल मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि वो आपने एक जार वाली एग्जांपल सुनी होगी कि एक जार है उसको आपने मैक्सिमम फिल करना, उसमें आप सैंड भी डाल सकते हैं, उसमें आप छोटे छोटे स्टोन्स भी डाल सकते हैं, वाटर भी डाल सकते हैं, प्लास्टिक बॉल्स भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें उसमें जानी चाहिए। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी कि मैक्सिमम अचीव करना। तो अगर तो आप उसमें सबसे पहले पानी डाल देंगे उस जार में, उसके बाद पानी के बाद कोई और चीज़ जाएगी अंदर। तो ये हमने क्या किया कि हमने नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट चीज़ से अपना जार फिल कर दिया, और अब हम कह रहे हैं कि देखो यार मैं तो बड़ा काम करता हूँ। प्रतिभा सुना दूँ मुझे इजाज़त है, मैं जंगल में ना बादशाह सलामत जो शेर साहब थे वो बीमार हो गए, उन्होंने कहा जी अब इस जंगल में जमुरियत आएगी, मैं जाइएगा मैं सारे अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा। तो जंगल में जमहूरियत आ गई और जमहूरियत के नतीजे में इलेक्शन हुआ तो बंदर जो है वो जंगल का बादशाह बन गया। बंदर तो बंदर है, उसको तो नहीं आता कि काम कैसे करना है। लोग आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, अपनी समस्याएँ ला रहे हैं, अपने मसले मसाइल बता रहे हैं कि सर मेरा ये मसला, और वो कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पर, तीसरे दरख्त से चौथे दरख्त पर, लोगों ने कहा मसले हल नहीं हो रहे। क्या जी मेरा मसला नहीं है, मेरी आनियाँ जानियाँ देखो। तो वो जब हम अपना जार सारा का सारा पानी से भर लेते हैं ना, तो हम एचआर को, डायरेक्टर्स को, सीईओ को यही जवाब देते हैं, सर देखो मैं तो बड़ा काम किया बस। वो आपके उस काम का क्या करे, आपने नॉन इम्पॉर्टेंट नॉन अर्जेंट चीज़ों से अपना जार फिल कर लिया, पूरा डे आपने उसके स्पेंड कर दिए। उनको क्या चाहिए, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, क्योंकि उनके गोल्स अलाइन है, उनके गोल्स अलाइन है तो वो सक्सेसफुल है ना। वो तो हम तो नमाज जब शुरू करते हैं तो हम सिंपल कहते हैं कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम है। तो भाई ये वही लोग हैं ना जिन पर उसका इनाम है, उनके गोल्स तो अलाइन है, सेट हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमें अगर उन जैसा बनना है तो सिरात अल्लज़ीना उनके रास्ते पर चलना है। तो पानी से जार फिल नहीं करना। अच्छा नहीं, अगर पानी से नहीं किया फिर क्या करें, सैंड कर दें। सो सैंड इज़ आपकी वो अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट वाली चीज़। सैंड भर दी, सैंड भरने के बाद पानी भरा जा सकता है, लेकिन सैंड भरने के बाद अब आप उसमें छोटे छोटे स्टोन्स नहीं ऐड कर सकते। अगेन आपने उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं की। अच्छा चलिए हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पे आते हैं। अगर आप सबसे पहले वो जो छोटे छोटे प्लास्टिक बॉल्स हैं, इसकी एक एनिमेशन भी यूट्यूब वगैरह पर एग्जिस्ट करती है, आप लोग देख सकते हैं, अभी प्रोजेक्टर वगैरह था नहीं तो मैं दिखा भी देता। तो बॉल्स अगर सबसे पहले डाल देते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पेबल्स स्टोन्स डाल देते हैं, उसके बाद सैंड डाल देते हैं, उसके बाद पानी डाल देते हैं, तो आपने उस छोटे से जार में इतना कुछ भर दिया, तो सब कुछ आराम से आ गया, किसी ने किसी से कोई लड़ाई नहीं की, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया, कोई मसला मसाई नहीं हुआ। सो दैट्स दैट डिवाइड एंड कंकर सॉर्ट ऑफ थ्योरी के आपने छोटे टास्क में डिवाइड किया और बड़े आराम से मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले पुट इन किया और जो गैर जरूरी चीज़ें उनको हैंड पर पुट इन किया, तो सारे काम आपके ओके। और इस सब के साथ साथ आप जिस भी खुदा को मानते हैं, जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, मेजोरिटी आई बिलीव यहाँ पे मुस्लिम्स की ही है, सारे मुसलमान भी हो सकता है, एक अदा ना भी होता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ठीक है। तो कुछ मसले ऐसे हैं जो इंसान की बसात से बाहर, उसके लिए ना अपने यानी कि जिस भी खुदा को आप मानते हैं, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, उसके साथ ना ताल्लुक थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया आप बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इम्पोर्टेंट नहीं है।
अगर तो आपको ये लगता है ना कि सारी इंसानियत का गम मेरा ही गम है और सारे मसले मैंने ही हल करने हैं और सारी इंसानियत की निजात दहिंदा मैं ही हूँ, तो बाइबल का एक वर्स है उसमें ये इसका मतलब कुछ यूं है कि तुम में से बहुत सारे लोग इसीलिए गुमराह हो जाएंगे कि वो अपने आप को मसीहा समझते होंगे। मसीहा नहीं है भैया हमें से कोई भी, हम अल्लाह तला की इस बड़ी सी मशीन में एक छोटा सा पुर्जा है बस, लेकिन हमने अपना काम करना है, क्योंकि अगर वो पुर्जा अपना काम नहीं करेगा तो हो सकता है उस बड़ी सी मशीन के निज़ाम में कहीं कुछ गलत बात होगा, ठीक है। उसके साथ भी थोड़ा सा ताल्लुक अच्छा रखें, क्योंकि फिर होते हैं मिरेकल्स, फिर आती है बरकत। ये बरकत बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, हमने अपने बड़ों को हमेशा बरकत की दुआ करते देखा, कि हमने देखा अपनी आंखों से देखा, हमारी ऑडियंस में कुछ मेरे सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, तो हमने देखा अपनी एल्डर जनरेशन को कि अब्बा जी की सैलरी 40-50 हज़ार होती थी और अय्याशी होती थी फुल। अब वाली जनरेशन एक एक महीने में 10-10 लाख 1-1 मिलियन कमा रही है, फिर भी अय्याशी। बट इज मिसिंग बरकत, मिसिंग। वो बरकत कहाँ से आएगी? वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से नहीं आएगी, वो आपका उसके साथ जो ताल्लुक है वहाँ से आएगी। यानी कि आपने अपना 100% देना है ना, अपना 99% देना है, तो वो जो आखिरी 1% है ना उसके लिए आप उससे दुआ करते अच्छे लगते हैं कि भाई मैंने अपनी हरकत पूरी कर ली है, अब आप इसमें बरकत डाल। अंडरस्टूड? सेम पेज पे हैं सारे जी? ठीक है जी, कंक्लूड करें अली? यस सर। ठीक है जी, तो आप सब लोगों की समातों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी सारी बातें सुनी, और मेरी इसमें अचीवमेंट यही होगी कि अगर आप में से किसी एक की भी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है तो मुझे लगेगा मेरा आज यहाँ आने का पर्पस पूरा हो गया। और अगर टेक्निकली कुछ जो टूल्स हैं, जैसे मैंने टूल का बताया कि वो आप उसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, अली माशाल्लाह खुद प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्निक्स पाई जाती हैं, स्क्रम होता है, आप लोग करते हैं सुबह कोई स्टैंड अप मीटिंग होती है आपके यहाँ पे? कर लिया करें, उससे काफ़ी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। स्क्रम में ये पता लग जाता है सुबह आते साथ ही कि यार ये मैंने कल किया था, ये मेरा आज का प्लान है, और किसी की मेरे पे डिपेंडेंसी तो नहीं है। तो जब किसी की आप पे डिपेंडेंसी नहीं होती ना, तो आपको एक अलग तरह का फ्रीडम मिलता है कि यार मैंने जो काम करना है ना बस अब मैंने डायरेक्ट बॉस को रिपोर्ट करनी है, किसी और की मेरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो ये स्क्रम है, यदि आपको ज़्यादा बेहतर बता देंगे बाद में। इसके अलावा आपकी एजाइल मेथडोलॉजी है, एजाइल ये होती है कि यू आर क्विक टू चेंज, कि आपने प्लानिंग की हुई है लेकिन आपने प्लानिंग में कुशन रखा होगा, तो यू प्लान कि हमें ये चीज़ इनवॉइस आज 3 बजे तक क्लाइंट को भेजनी है। हम जिस मुल्क के खुदादाद में रहते हैं, 3 बजे पूरे मुल्क का इंटरनेट चला गया, अब क्या करेंगे? तो एजाइल ने इस चीज़ का रूम रखा होता है कि अगर पूरे मुल्क का इंटरनेट चला गया तो हम ये करेंगे कि हम इनवॉइस 1 दिन पहले रेडी करेंगे, एंड दिन पे डेडलाइन पे रेडी नहीं करेंगे, और अगर हमें कोरियर करनी पड़ गई तो हम कोरियर कर दें, ईमेल नहीं करेंगे ना, उसको प्रिंट निकाल के हार्ड फॉर्म में कोरियर कर दें, काम हो गया, कोई टेंशन नहीं। तो ये एजाइल में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, उसके लिए इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए आप लोगों की समातों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, कुछ पसंद आया होगा, और ये इम्प्लीमेंट होगा। थैंक यू सो मच।